असलमेकम एवरी वन इट्स मी बर फातमा एंड वेलकम टू माई चैनल सो गाइज जो मेरा आज का वीडियो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक सिंपल लेकिन बहुत एलिगेंट डिज़ाइन एक्चुअली अगर आप लोगों के पास कोई हैवी शॉल्स कोई दुपट्टे कुछ स्टेटमेंट दुपट्टे ब्लॉक प्रिंटेड ज्यादा एम्ब्रॉयडेड या जैसे भी कलर uh, ब्लॉक जो दुपट्टे अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो बस आप उन्हें निकाल लीजिए और उनके साथ कुछ इस तरह का सिम्पल सा डिज़ाइन बना लीजिए क्योंकि थोड़े से डिज़ाइन के साथ प्लान कप कपड़े बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं ये तो आप सबको आइडिया हो ही गया होगा लेकिन मतलब माइंड में नहीं आता कैसे बनाएं फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा ग्रीन मरून और रस्ट और ब्लैक कलर की एक एम्ब्रॉइडीड शॉल थी मेरी एक कस्टमर हैं बहुत लॉयल कस्टमर है मेरी उन्होंने मुझे कहा कि ये शॉल है और इसके साथ तुमने एक ड्रेस बनाना है और ये उन्होंने कहीं से ली थी केसरिया से आई डोंट नो कहाँ से ली थी उन्होंने बहरहाल ये इस तरह की शॉल थी और इसके साथ उन्होंने मुझे दिया कि मैं इसके साथ उनको ड्रेस बना दूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने आ, हैंड बुवन कपड़ा लिया मरून कलर का क्योंकि आप देखिए इसके अंदर मरून कलर है ब्लैक बनाती तो वो ज़्यादा शो ना होता पता भी ना चलता और ग्रीन उनको नहीं चाहिए था वैसे इसके साथ आर्मी ग्रीन भी चल सकता था इसके साथ रस्ट कलर भी चल सकता था सफरून भी चल सकता था लेकिन आ, उन्हें चाहिए था कुछ थोड़ा सा हटके तो मैंने मैरोन लिया मैरून इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने मेरोन लिया सारा जो होती है हैंड वूवन कपड़ा होता है और उसको मैंने इस तरह का कुछ स्टिच करवाया सॉरी वो एक ऊपर जो धागा है उसको इग्नोर कीजिएगा उसको मैं कट करना भूल गई क्योंकि ये लास्ट टाइम जो डिटेल्स हैं बिल्कुल लास्ट में ऐड की है स्टिचिंग के बाद तो इसलिए थोड़ा सा हो गया और ये देखिए इस तरह का ये स्टिच हुआ बड़ा फाइन इसकी मैंने स्टिचिंग कराई बेसिकली अगर आप आम से कपड़े को भी फाइन स्टिच करा लें तो वो कोई चीज़ ही बन जाता है ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर है और इस तरह से इसके स्लीव्स है मतलब कि थोड़ा सा इसको मॉडर्न ये देसी लुक टोटल दिया हुआ है तो इसका ये स्टेटमेंट ओवरलैप जो भी नेक कहते हैं वही है लेकिन यहाँ पर इस तरह ये थोड़े छोटे छोटे दो स्टोन ऐड किए हैं और ये कांथा टाइप की इस तरह की डिटेल्स आजकल बहुत चल रही हैं वो ऐड किए हैं और इसके अंदर जो हिडन स्टाइल है वो ये है जी कि इसके है साथ पॉकेट्स ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं पॉकेट्स पे काम पॉकेट्स पे ये लेकिन क्योंकि ये इसका ऑलरेडी दुपट्टा काफ़ी हैवी है तो हमने इसको सिंपल रहने दिया फिर बात करते हैं इसकी शलवार की तो आजकल जी खड़ी शलवार जो बेल्ट वाली शलवार के अलावा शलवार होती है खड़ी शलवार कहते हैं या स्ट्रेट शलवार कहते हैं या फिर उसको गुड्डी काट शलवार कहते हैं वो शलवार है बहुत ज़्यादा इन और पॉइंटें या इतनी इतनी डिटेलिंग इन ने काफ़ी मैंने वो कलेक्शन भी अपना लाया था आप लोगों ने वो भी पसंद किया था तो इनके पंचों पर इस तरह का काम करवाया पौचे थोड़े खुले रखे हैं नॉर्मल से थोड़े से ज़्यादा और इस तरह के सूट के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगी ये शॉल आप ख़ुद ही देख लें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है और अगर इसके अलावा भी वो इसके साथ हाई हील्स पहन सकती हैं ब्लैक कलर के शूज़ पहन सकती हैं मरून पहन सकती हैं और भी मतलब कुछ भी पहन सकती हैं और इस शॉल को तो वो ज़ाहिर है बहुत सारे और कपड़ों के साथ भी ले सकती हैं और ये भी और बहुत सारे इसके साथ भी महरून शॉल भी चल जाएगी और भी बहुत सारी ब्लैक की तो आपने मिसाल देख ही ली है मल्टी कलर की तो अगर आप लोगों के पास कुछ प्लेन कपड़ा पड़ा हुआ है और कोई स्टेटमेंट दुपट्टा है तो आप उनको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं ठीक है आगे और बहुत सारी वीडियोस बहुत सारी स्टाइलिंग प्लस डिज़ाइनिंग वीडियोस छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं आप अपने ड्रेस में ऐड करके किस तरीके से एक सुपर स्टाइलिश ड्रेस या आ, से जो बड़ी हाई स्ट्रीट डिज़ाइनर्स होते हैं उन जैसा ड्रेस किस तरीके से बना सकते हैं ये मिनिमम जो छोटी छोटी सी डिटेल्स होती हैं यही मैटर करती हैं एक्चुअली बाकी तो हम सभी कर लेते हैं तो बस आज का मेरा जो वीडियो था वो इतना ही था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन होप्सो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आगे बहुत अच्छे डिज़ाइन आ रहे हैं आपके लिए स्टाइलिंग और फैशन की टिप्स एंड ट्रिक्स आएंगी इनशाला जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह